मैं आज की शाम की शुरुआत जो है, मैं एक बड़े ही मैम एक ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन से करना चाहूंगा। आप कभी किसी टीवी शो में दिखाई नहीं दी हैं, इसके पीछे कोई खास वजह है मैम? कोई दिखाने की चीज हो तो मैं दिखाऊं। ये तो गलत बात है। अगर आप ये कह रही हैं कि दिखाने की चीज हो तो दिखाऊं, फिर हम सबको तो कहीं काले पानी भेज देना चाहिए। मतलब सीरियसली, जिसका कोई जवाब नहीं वो सवाल है आप। दिल देखने को तरसे वो हसीन ख्याल हैं आप। बेमिसाल हुस्न और अदाओं का ये खजाना देखकर फरिश्ते भी कहते होंगे कमाल हैं आप, लाजवाब हैं आप। शुक्रिया बहुत बहुत। मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। वाह। हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत। रेखा मैम, हर कोई बंदा चाहे कि हम आपसे दोस्ती करें, आपके क्लोज हों, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं उनको कि हाँ इनको मुझे दूर रखना है अपने आप से, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है ये मेरे से अट्रैक्ट हैं या मुझे चाहते हैं, तो कैसे? कपिल जी, ये आपके अपने बारे में बोल रहे हैं कि आप मेरे बारे में बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आप हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं। पता, आपने बीच में भी कहा कि इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, 1200-1500 तो इधर ही हैं, बाहर पता नहीं कितने हैं, तो हजारों कैसे हुए? अंडर एस्टिमेट नहीं करती हूँ, इसको कहते हैं वेल ब्रॉट अप। अंग्रेजी जानते हैं आप? जी मैम जी। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन, मैं इनकी पोल खोलने वाली हूँ। इनसे आप सब पूछिएगा कि ये मेरे बारे में कितना जानते हैं, इन्होंने मेरी कौन सी फिल्म देखी, ये जरा पूछिएगा। एक दुनिया में मुझे शख्स मिला जिन्होंने मुझे मेरी फिल्म देखी नहीं। ये मतलब ये तालियां मारने वाली बात है। ये आप कैसे कह सकती हैं? मतलब इनको पता नहीं है, कुछ नहीं मालूम कि मैं कहां से आई हूँ, मेरा क्या मतलब। मैं आपकी फिल्में बताऊं आपको? अच्छा, आपको पीसीआर में मैम, हमारे तो टीवी भी नहीं था, 100 रुपए में 4 फिल्में में मिलती थी, 25 रुपए की एक फिल्म। जी। स्कूल बने अंगारे जब आप घोड़े पे जाके, मैं जितनी उस समय मैं अपनी मेरी जो जेब के हिसाब से मैं दे, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं मैम? बस मुझे उड़ती उड़ती खबर ऐसी आई है। तो आप पूछने वाले थे मुझे कुछ, नेक्स्ट सवाल आप पूछने वाले थे। अच्छा, आप राज्यसभा मेंबर हैं, तो जब आप जाती हैं राज्यसभा में, तो मैंने सुना है ऐसे, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, कि जब आप बाल इधर गिराती हैं तो जो एमपी इधर बैठते हैं वो उठ के इधर आ जाते हैं, और जब आप इधर गिराती हैं तो इधर वाले उठ के इधर आ जाते हैं, कई बार तो ऐसा सुना है कि कई बार तो ऐसा भी है कि ओपोजिशन वाले भी इनकी फेवर में आ जाते हैं। ऐसा